हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं हिंदी मीडियम 10 के इंग्लिश विषय का यूनिट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। उसे आप ध्यान से देखिएगा। हाँ तो मित्रों, ये चैप्टर का नाम जो है एन इंटरव्यू विथ अरुण कृष्णमूर्ति, यानी कि एक इंटरव्यूअर मतलब होता है जो जो बातचीत करता है, यानी मतलब ऑडियंस आकर के देखते हैं, वो हुआ। और किसके द्वारा बात की जा रही है? अरुण कृष्णमूर्ति से जो है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ मेन थॉट जो है वो अरुण कृष्णमूर्ति के बारे में बताया जा रहा है, उसे आप देखना। अरुण कृष्णमूर्ति वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही फाउंडेड द NGO एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म जो है EFI है। E फॉर एनवायरमेंटलिस्ट, F फॉर फाउंडेशन, I फॉर ऑफ इंडिया। तो जब अरुण कृष्णमूर्ति जब मात्र 17 साल के थे, तभी उन्होंने NGO से ज्वाइन होकर के EFI मतलब एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया का शुरुआत किया था। बिगनिंग विद द टर्टल वॉक, और इन्होंने अपनी शुरुआत कछुए की चाल से की थी। जिस तरह से कछुआ धीरे धीरे चलता है, ठीक उसी तरह से इन्होंने अपनी शुरुआत धीरे की। अ मूव टू सेव टर्टल एग्स एंड यंग हैचलिंग्स इन चेन्नई, और जिस तरह से कछुआ अपने मतलब अंडे को पालता है, ठीक उसी तरह से उन्होंने सावधानी रखते हुए और उसी तरह से जो है वो उसकी शुरुआत जो है वो चेन्नई से की। टुडे अरुण एंड हिज वॉलंटियर, आज अरुण और उनके जो समाज सेवक हैं वो सभी हैव क्लीन बीचेस एंड वेराइज वाटर बॉडीज इन चेन्नई। आज उनके मतलब वॉलंटियर लोग जो है समुद्र तटों को और अलग अलग पानी के मतलब जो पानी के स्रोत हैं उनका चेन्नई में जो है वो सफाई अभियान शुरू किया, और हैदराबाद में भी किया, दिल्ली में किया, कोयम्बतूर में किया एंड पांडिचेरी में किया। द टीम क्लीन्स लैक बीचेस एंड जूस प्लांट्स ट्री एजुकेट्स पीपल थ्रू स्ट्रीट प्ले एंड ऑल्सो मेक्स एनवायरमेंट फ्रेंडली पेपर बैग। अब यहाँ तक कि इन लोगों ने, इनके टीम्स जो थे, उन्होंने लेक को क्लीन किया, बीचेस क्लीन किए यानी समुद्र तटों को साफ किया, प्राणी संग्रहालय देखा, प्लांट ट्री लगा करके वहाँ साफ सफाई की, एजुकेट पीपल यानी कि लोगों को शिक्षा दी इसके बारे में, और यहाँ तक कि उन्होंने जो है पर्यावरण को किस तरह से स्वच्छ रखना है और पेपर बैग का उपयोग करके हम पर्यावरण के फ्रेंड किस तरह से बन सकते हैं, ये सब के बारे में भी चर्चा की या उन्हें सिखाया। अरुण से टीम हैज स्टूडेंट्स हु ज्वाइंस हिम व्हेन दे वेयर इन क्लास 7, यानी कि अरुण के वॉलंटियर जो टीम थी उसमें 7वीं क्लास का पढ़ने वाला एक बच्चा भी था। एंड कंटिन्यू टू वर्क विथ हिम इवन आफ्टर 5 ईयर्स, और लगातार लगभग 5 साल से जो है वो इस काम में लगा रहा। हाँ तो यहाँ से हमारा इंटरव्यूअर के थ्रू जो है वो अरुण से टॉकिंग हो रही है। तो पहले इंटरव्यू बोलता है कि विच एक्सपीरियंस एज ए चाइल्ड इंस्पायर यू टू टेक अप द काउज ऑफ द एनवायरमेंट, ऐसी कौन सी सीख थी, विचार था एक बच्चे के तरीके से जो आपको क्या कर दिया, जिसके कारण आप एनवायरमेंट से जुड़े, या व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्टिविटी, और आपका पहला काम क्या था, इसके बारे में पूछा गया। तो उन्होंने कहा, किसने, अरुण कृष्णमूर्ति ने कहा, अ ब्यूटीफुल लेक नेक्स्ट टू माई हाउस विच वंस हैड अ लॉट ऑफ बर्ड्स फ्रॉग एंड स्नैक्स वॉज हैवली पॉल्यूटेड, यानी एक सुंदर सा लेक जो है मेरे घर के बगल में था, जिसमें बहुत सारे बर्ड्स फ्रॉग और स्नैक जो है उसे गंदगी करके चारों तरफ फैलाए हुए थे। इट लेड टू द स्प्रेड ऑफ मॉस्किटोज एंड टर्न अ लवली प्लेस इन टू अ अगली नेबरहुड, यानी जिसके कारण जो है एक सुंदर सा प्लेस जो है वो गंदा हो गया था, वहाँ मॉस्किटो भी बहुत सारे लगने लगे थे, और प्यारा सा प्लेस जो है वो पड़ोस में ही प्यारा सा प्लेस जो है वो काफ़ी गंदगी जैसा दिखता था, या गंदगी था वहाँ पर। अब आगे, दिस हर्ट मी बैडली, यानी इससे मुझे बहुत दुख हुआ, इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ, एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और मैंने ये सोच लिया कि मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। आई गॉट टुगेदर विथ अ कपल ऑफ माई फ्रेंड
एंड क्लीन द पॉन्ड नेक्स्ट टू माई हाउस. दिस वॉज द फर्स्ट एक्टिविटी. और मैं अपने मित्रों के साथ आई गॉट टुगेदर विथ अ कपल, यानी कि मैं अपने दो मित्रों के साथ वहाँ गया और फिर वहाँ उस पॉन्ड को साफ करने लगा. और यही मेरी पहली एक्टिविटी या क्रियाकलाप है. अब अगला प्रश्न इंटरव्यू के द्वारा पूछा जाता है, जिसका जो ये है, वॉट काइंड ऑफ सपोर्ट डिड यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड टीचर. और आपने, यानी इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपने जब ये सब काम शुरू किया तो आपके पेरेंट्स और टीचर के थ्रू किस प्रकार की मदद मिली. वॉज देयर एनी इफेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टडी टाइम एंड एक्टिविटीज़, यानी क्या आपको कभी एक्टिविटी जो पढ़ाई के समय में आप ये सब काम जो कर रहे थे उससे आपको कभी कोई परेशानी हुई. तो इस बात पर अरुण कृष्णमूर्ति जी बोलते हैं कि I have supportive parents who understood that my interest was the environment. मेरे पेरेंट्स के द्वारा मुझे सपोर्ट मिला था, जो ये समझते थे कि मेरा रुचि जो है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है. दे हैव नेवर stopped me from doing what I want. और उन्होंने कभी भी मैं जिस कार्य को कर रहा हूँ उसको रोकना नहीं चाहा, यानी कभी भी मुझे रोका नहीं. On my part, और मेरे कार्य में आई ऑल्सो मेड श्योर दैट आई डिड नॉट फेल माई पेरेंट्स इन एनी वे. और मैं अपने इस कार्य में मुझे पूरा विश्वास था, यकीन था कि मैं अपने पेरेंट्स को या खुद को इसमें कभी असफल नहीं होने दूंगा. आई ऑलवेज इन्फॉर्म देम अबाउट एवरीथिंग दैट आई डिड एंड टूक देयर एडवाइस बिफोर, यानी कि मैं हमेशा कुछ भी काम करने से पहले उनसे पूछ लिया करता था और उनसे सलाह लिया करता था कि हमें किस तरह ये करना है. बिफोर जंपिंग इन टू एक्शन, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले उनसे पूछ कर उनसे सलाह भी मांग लेता था. आई हैव टीचर्स हु टॉट मी हाउ टू गो अबाउट थिंग्स. और हमारे जो टीचर रहते थे वो उन्होंने हमें क्या किया इसके बारे में शिक्षा दी कि हम किस तरह से इन वस्तुओं का सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग किन वस्तुओं का होता है और फिर कैसे हम इसे आसानी से साफ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने सिखाया. दे ऑल्सो टॉट मी ह्यूमिलिटी. और उन्होंने यहाँ तक कि मुझे मानवतावादी भी सिखाया कि कैसे हम मानवीय ढंग से जो है लोगों से पेश आवे और उनसे भाईचारा के साथ साथ जो है मतलब कि उनकी मदद लें. सो दैट आई डिड नॉट बिकम स्नोविश और एरोगेंट एंड स्टार्ट थिंकिंग आई वॉज अ सपोर्ट सुपर स्टार्स बिकॉज, यानी और इसी कारण से मैं कभी इसमें परेशान या तकलीफ मुझे नए हुए या मैं मतलब हिचकिचाया नहीं. और फिर इसके बाद अपने पूरे विश्वास से आत्मविश्वास से अपनी शुरुआत की क्योंकि आई वॉज डूइंग ऑल थिंग्स एनवायरमेंट वर्क, क्योंकि मैं क्या करने जा रहा था, मैं पर्यावरण को साफ सुरक्षित करने जा रहा था, इसलिए मुझे कभी हिचकिचाहट नहीं हुई. दे टॉट मी टू बी सिंपल एंड कीप लर्निंग ऑल द टाइम. वो मुझे हमेशा सिखाया करते थे, हमारे टीचर हमें हमेशा सिखाया करते थे कि हम किस तरह से कम समय में आसानी से इसे क्लीन कर सकते हैं. अब आगे देखो, यहाँ पर दिया है आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट, मैंने कभी ऐसे कोई कार्य नहीं किया है. आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट, और मैं तो सिर्फ मात्र पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कार्य करता हूँ. आई हैव लर्नड सो मच बाय डूइंग दिस वर्क, और मैंने जो कुछ भी सीखा है इस काम को करते हुए ही सीखा है, मुझे पहले से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी. हाउ डिड योर स्कूल एंड कॉलेज, अब इंटरव्यू पूछता है हाउ डिड योर स्कूल एंड कॉलेज फर्दर योर इंटरेस्ट, यानी आपके स्कूल और कॉलेज के लोगों ने किस तरह से इस मतलब कि आपके इस रुचि पर आपका सपोर्ट किया, कैसे आपकी मदद की उसके बारे में. बोथ माई स्कूल एंड कॉलेज हैड प्लेंटी ऑफ ग्रीन कवर एंड बोथ वेयर होम टू सेवरल अदर लाइफ फॉर्म, यानी कि हमारे स्कूल और कॉलेज के लोगों ने हमारी मदद के साथ साथ उन्होंने स्कूल के आसपास साफ सफाई रखे और यहाँ तक कि चारों ओर पेड़ पौधे लगा करके भी उसे क्लीन किया. दिस मेड मी अंडरस्टैंड देयर इम्पोर्टेंस, और यही उनकी मतलब कि महत्वपूर्णता जो है उनकी महत्वपूर्णता मुझे बताती सिखाती है. और हाउ
हाउ ब्यूटीफुल, और मतलब मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा, इसीलिए हमने कहा भी कि हाउ ब्यूटीफुल दे आर एंड वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, यानी ये ऐसे में कितना सुंदर लग रहा है तो क्यों ना हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो दीज एनिमल्स आर ऑन देयर ऑन फाइंड देयर ऑन फूड एंड आर ऑलवेज एक्टिव, जैसे कि एनिमल्स जो है हमेशा अपने भोजन की तलाश में जो है वो घूमते रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। फिर ऑन द मूव एंड नेवर लेजी, वो हमेशा प्रतिदिन मतलब कि इधर उधर भागते रहते हैं, कभी आलस नहीं करते। तो इट इज़ सो पॉजिटिव, वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम, इसीलिए हमें उनकी तरह जो है हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और उनसे कुछ सीख भी लेनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम में इंटरव्यू ने फिर से पूछा कि डिड यू फील एनी हेसिटेशंस इन क्वार्टिंग्स अ वेल पेइंग जॉब एंड वर्चुअरिंग से इन टू दिस फुल टाइम, और क्या कभी आपको ऐसा कोई कहीं महसूस नहीं हुआ कि एक अच्छा खासा जॉब आपने मतलब कि फुल टाइम में कर रहे थे, पूरा दिन आपका बीजी रहा करता था, और फिर व्हाट वेयर द ऑप्शंस यू वेग्ड बिफोर यू कैरिड एट योर डिसीजन, और आपने जो मतलब कि उसे छोड़ करके ये सब काम किया, तो क्या आपने इस डिसीजन जो निर्णय लिया आपने उससे कभी आपको पछतावा या उसके बारे में आपने कभी सोचा? तो इट इज ऑलवेज गुड टू डिसाइड इन फेवर ऑफ वॉट यू रियली लव टू डू, ये हमेशा कहा जाता है कि अगर मन से आप जिससे ज़्यादा लगाव है, ज़्यादा प्रेम है, और उसके लिए अगर आप आपका कोई लगाव है, आप उसके लिए कुछ सोच रहे हो, तो आपको ज़्यादा मतलब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। आई क्वाइट माई जॉब एंड गूगल, मैं पहले गूगल में जॉब करता था, बट आई स्टिल कीप इन द टच विथ माई फ्रेंड्स देयर, मैं वहाँ भी अपने मित्रों से जुड़ा रहा करता था। सो ओनली माई ड्यूटी एट गूगल हैव कम टू एंड एंड, यानी कि मेरा उसमें मेरा मतलब कि शुरू ड्यूटी दायित्व क्या था कि गूगल में काम किया और दिन की समाप्ति भी, यानी दिन की शुरुआत भी गूगल के कार्य से होता था और दिन की समाप्ति भी गूगल के कार्य से होता था। फिर नेक्स्ट है नॉट माई इमोशनल बॉन्ड, आई इसमें कोई मेरा इमोशनल बॉन्ड नहीं था। फिर अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आई अंडरस्टूड दैट आई हैड टू लीव द जॉब एट दैट मिनट इन 2010, और मैंने लगभग अपने जॉब को कब छोड़ा था मतलब कि उसी पल जब मुझे ये सब समझ में आ गया, तो सन 2010 में उसी पल मैंने अपने जॉब को छोड़ दिया, और एल्स आई वुड नेवर बी डेयरिंग्स इनफ टू डू सो, और मैं कभी इससे मतलब कि घबराया नहीं जो कुछ मैंने किया था, यानी कि मैंने जॉब छोड़ा था इससे मुझे कभी कोई घबराहट नहीं हुई थी। आई कुड नॉट सिट बैक एंड एन्जॉय लाइफ व्हेन एनवायरमेंटल फिर डैमेज वॉज हैपनिंग्स ऑन सच अ लार्ज स्केल, और मैं बड़े पैमाने पर पर्यावरण को इस तरह से डैमेज या नष्ट होते नहीं देख सकता। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग एंड दैट समथिंग्स नीडेड माई फुल अटेंशन, मुझे इसके लिए कुछ करना था और मुझे जितनी भी ज़रूरत थी पूरे लगन से पूरे आत्मविश्वास से जो है मैंने इनके लिए कुछ किया। सो आई लेफ्ट गूगल फॉर EFI, और मैंने EFI का मित्रों मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म एनवायरमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, तो इसके लिए मैंने गूगल की जॉब छोड़ दी। हाँ, तो अगला मतलब कि इंटरव्यू के द्वारा प्रश्न पूछा गया व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज डू पीपल थ्रो इनटू वाटर बॉडी, किस प्रकार का कचरा जो है वो पानी में पानी के स्रोत में जैसे तालाब हुआ, बीचेस हुए, लेक हुआ, फिर पॉन्ड हुआ, लेक हुआ, ये सब में किस प्रकार का कचरा लोग फेंकते हैं, और हाउ डू यू डील विद द रिमूवल ऑफ दिस गार्बेज वंस यू क्लीन द वाटर बॉडी, और आपने इसे निकालने के लिए वाटर बॉडी को क्लीन करने के लिए गार्बेज निकालने के लिए आपने किस इक्वेशन का उपयोग किया? तो इस पर अरुण कृष्णमूर्ति जी बोलते हैं कि एवरीथिंग फ्रॉम अ डाइपर टू वर्न आउट स्लीपर, यानी सभी कुछ डायपर से लेकर फटे हुए स्लीपर तक वी फाइंड एवरीथिंग इन अवर लैक, यानी हमें सब कुछ जो है अपने लैक में मिला। दिस इज सो डिस्टर्बिंग, यानी इससे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि इट इज़ वाटर एंड वाटर इज़ द बेसिक ऑफ लाइफ, क्योंकि ये पानी था और पानी जो है वो जीवन का स्रोत होता है,
हाउ कैन वी नॉट केयर फॉर दिस वाटर बॉडीज, अब हम इसे क्यों नहीं साफ कर रहे हैं, कैसे इसे दूषित होने दे सकते हैं। वी यूज दिस गार्बेज फॉर लैंड फिल विथ नो और मिनरल्स एक्सपोजर्स टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, और हमने जो है इसे लैंड फिल कर दिया, लैंड फिल मतलब ज़मीन में उसे खड्ढा खोद करके उसके अंदर उन कचरों को दफना दिया, और जो यूज हो सकते थे उसको रिसाइकलिंग के लिए वो डस्टबिन ट्रक में डलवा दिया। वी इंश्योर दैट द लैक एरिया एंड वाटर होल्डिंग्स आर फ्री ऑफ गार्बेज सो दैट बर्ड्स फ्रॉग एंड स्नैक, अब धीरे धीरे करके लैक का जो विस्तार था वो सभी जो है वो क्लीन हो गया और वहाँ पर रहने वाले बर्ड्स फ्रॉग एंड स्नैक जो थे कैन लिव इन पीस, शांति से वो लोग भी रहने लगे और वो जगह भी देखने में अच्छा लगने लगा। How many days does it take to clean a large lake? यानी एक बड़े से लेक को क्लीन करने में आपको कितना समय लगता है? Do you use any special equipment for cleaning and safety? क्या आपने सफाई और अपनी खुद की सुरक्षा के लिए किसी खास इक्विपमेंट यानी औजार या साधनों का उपयोग किया था? तो इस पर इंटरव्यूअर को जो है वो जवाब देते हुए अरुण कृष्णमूर्ति जी बोलते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लेक एंड द अमाउंट ऑफ गार्बेज, यानी ये निर्भर किस पर करता है, लेक के साइज पर निर्भर करता है और इसके बाद लेक में रहे हुए गार्बेज पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा कि क्या है। इट कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 5 days एंड 3 months टू कम्प्लीटली क्लीन अ लेक, आ इसमें लगभग 5 दिन से लेकर के 3 महीने का भी अंतर लग सकता है। वी हैव आवर टूल्स लाइक रॉक्स एंड स्पैडल, और इसमें हमने रॉक्स और स्पैडल नामक टूल्स का उपयोग किया था। फिर इंटरव्यूअर के द्वारा अगला प्रश्न आता है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव गियर डू यू यूज, अब इसमें कैन यू डिस्क्राइब द क्लीनिंग प्रोसेस ब्रीफली, यानी उन्होंने कहा कि आपने किस प्रकार का सुरक्षा रखा था और क्या आप उसे विस्तार से सफाई के बारे में जो है वो बताओगे। तो इस बात पर उन कृष्णमूर्ति जी बोलते हैं कि वी वेयर नोज मास्क, हमने नोज मास्क लगाया, सैनिटाइजरी मतलब ग्लव्स पहना एंड कैरी रॉक्स एंड स्पैडल्स विथ विच वी कलेक्ट द गार्बेज एंड डंप इट इनटू कलेक्शन बकेट विच आर टेकन टू द गार्बेज ट्रक, यानी हमने मतलब कि ये सब लगाने के बाद रॉक्स और स्पैडल लेकर क्या गार्बेज के अंदर के रहे हुए गार्बेज और डंप को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद कलेक्शन बकेट में डाला और फिर ट्रक के मार्फत मतलब कि गार्बेज में ट्रक में उस बकेट को ज्वाइन करके उसे हटा दिया। वी ऑल्सो यूज हैवी मशीनरी लाइक अर्थ मूवर एंड फिर इसका पॉकलेंस टू फिर डिसाइड द लैक एंड क्लीन द वेट्स ऑफ एंड श्रब्स दैट आर हार्मफुल, अब हमने जो है वो किसका उपयोग किया था, अर्थ मूवर का उपयोग किया था और पॉकलेंस का उपयोग किया था, किसके लिए कि साइड में जो है यानी तालाब के किनारे किनारे बहुत सारी झाड़ियाँ हो गई थी तो झाड़ियों को क्लीन करने के लिए जो है वो इन सब का उपयोग किया था क्योंकि इससे जो है वो लैक के लिए काफ़ी हार्मफुल वो था। अब इंटरव्यूअर ने फिर से प्रश्न किया, व्हाट इन टू योर ओपिनियंस कैन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट डू फॉर द एनवायरनमेंट, व्हाट कुड बी अ स्मॉल बिगनिंग बाय ऑल ऑफ अस इन टर्म ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, आपका सबसे मतलब के ओपिनियन मतलब के साथी कौन था, यानी कि वो एक बच्चा था कि कोई बड़ा था, कौन था वो आपको बताना है। तो उन्होंने कहा, फर्स्ट वी शुड ऑल स्टॉप थ्रोइंग ट्रैश आउटसाइड आवर होम, पहले तो हम लोग अपने घर के बाहर जो है कचरा वगैरह फेंकने का था वो सब बंद किए। नेक्स्ट वी शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैश ऑफ जनरली, और हम लोग जो है वो जो ट्रैश थे जो कचरे थे उसे रिड्यूस करने के बारे में मतलब कि लोगों को समझाया, स्टोर टिश्यूज पेपर्स बैटरीज फास्ट फूड जंक ऑल दिस एंड्स अप इन लैक एंड दे कम फ्रॉम आवर होम, और हमारे यहाँ से जो स्ट्रॉ टिश्यू रैपर बैटरीज वगैरह ये सब फास्ट फूड ये सब जो तालाबों में फेंक दिया जाता था उसको रोका और घर के बाहर भी फेंकने से रोका। इफ़ वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज एट होम, अगर हम घर पर ही कचरों का
कचरों को अदर मतलब कि अलग अलग कर दें, और इफ़ वी कैन डिस्पोज ऑल गार्बेज सेफ्टली सेफ्टली दैट इज सेल्फ इज अ ग्रेट डील। और अगर हम उसे घर पर ही कचरों को अलग कर दें और घर पर ही उसे सुरक्षित जो है रिड्यूस किया जा सके, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा मतलब कि डील होगा या भूमिका होगा जो मतलब कचरे से हमें दूर ले जा सकता है। एवरी स्टूडेंट इज वेलकम टू वॉलंटियर विथ अस इन हेल्प द एनवायरनमेंट। और सभी विद्यार्थियों का हम लोग हमारे संस्था के लोग जो है वो उसका समाज सेवक के लोग स्वागत करते थे, जो इसमें ज्वाइंट होना चाहे वो आसानी से ज्वाइंट हो सकता था। इस बात पर इंटरव्यूअर ने फिर से प्रश्न किया, हाउ मच टाइम डू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन नीड टू डिवोट इन से अ वीक फॉर एन एनवायरमेंटल काउज, यानी पर्यावरण को साफ करने के लिए अगर कोई स्टूडेंट था तो वो कितना टाइम आपको देता था सप्ताह में कि वो आप लोगों से जुड़ा हुआ रहे। तो 4 hours a weekend, यानी कि सप्ताह में 4 घंटे, दैट इज़ 2 hours on Sunday एंड 2 hours on Saturday, 2 घंटे Saturday 2 घंटे Sunday को दे करके, यानी जो यंग स्टूडेंट थे वो 4 घंटे वीकली जो है हमें इसके लिए अपनी भूमिका देने के लिए करते थे। दिस स्मॉल बिगनिंग इज मोर देन इनफ टू इंश्योर लार्ज पार्टिसिपेशंस लेटर, इनकी एक छोटी सी मदद भी हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में था। अब अगला इंटरव्यूअर ने पूछा, हाउ कैन स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स ज्वाइन योर फिर फ्रेटर्निटीज, डू यू हैव एनी प्रोग्राम्स टू इंट्रोड्यूस योर वर्क टू देम, यानी किस तरह से बच्चे जो है आपसे मतलब कि जुड़े, और क्या आपने कभी कोई प्रोग्राम के द्वारा उन लोगों को मतलब समझाया बताया कि ये कैसे करना है क्या करना है वो समझाया था। तब इस पर अरुण कृष्णमूर्ति जी ने बोला, हाँ, वी ऑफर फॉलोशिप टू इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स और प्रोग्राम्स लुक एट यंग एनिमल्स लवर्स, यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, फिर फिल्म मेकर्स, फिर थिएटर्स आर्टिस्ट एंड साइंटिफिक रिसर्चर्स, यानी हमने जो है पहले अपने साथ आने वाले मतलब कि स्टूडेंट से ऐसा बोला कि जो हमारे साथ आ सकता है वो आवे, और जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं हमारे उस प्रोग्राम को देखें, किस तरह से एनिमल से प्रेम करना चाहिए, जंगली लाइफ का फोटोग्राफ कैसा होता है, चलचित्र कैसा होता है, फिल्म मेकर को भी इसके बारे में बताया गया, थिएटर आर्टिस्ट और साइंटिफिक रीजन जो है रिसर्चर, ये सभी लोगों ने जो है हमारा साथ दिया। We give them training in these areas and get them actively involved in all our work. यानी हम सबसे पहले इनको एरिया के हिसाब से इनको ट्रेन करते थे और एरिया इनको दे करके अपने काम के लिए समझा देते थे। Our youngest volunteer is in class 3 और हमारा सबसे छोटा volunteer जो है वो 3री कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा था। हाँ, तो मित्रों हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम थोड़ा ग्लोसरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका ग्लोसरी क्या है, किसका मीनिंग क्या होगा, आप कैसे इसको लिखोगे उसके बारे में देखते हैं। हाँ, तो मित्रों यहाँ देखो, सबसे पहले लिखा है एनवायरमेंटलिस्ट मतलब होता है पर्यावरण से संबंधित। अब इसमें आप बोल सकते हो हु वर्क टू प्रोटेक्ट द नेचर नेचर वर्क फ्रॉम पॉल्यूटेड। और नेक्स्ट आपका है वेज यानी होता है बिगनिंग यानी शुरुआत। फिर इसके बाद टर्टल यानी होता है कछुआ, वॉलंटियर यानी समाज सेवक, बीच यानी समुद्र का किनारा, सीसोर भी आप बोल सकते हैं, वाटर बॉडीज यानी समुद्र का पानी का स्रोत, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मतलब पर्यावरण से को नुकसान न पहुँचाए या मतलब पर्यावरण के मित्र। फिर प्लैनेट यानी होता है आपका अ लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट टू स्पेस सच एज द अर्थ, यानी कि हमारा जो पृथ्वी का जो भाग है यानी धरती के भाग के लिए जो है प्लैनेट का यूज किया गया है, काउस यानी के कारण। फिर पोल्यूटेड यानी गंदगी गंदा प्रदूषित करना। फिर इसका कॉन्फ्लिक्ट का मतलब देखो दिया है स्ट्रगल यानी परेशानी उठाना, ह्यूमिलिटी यानी वो मानवतावादी विनम्रता, फिर नोबिस यानी होता है दम्भी यानी वो जीत करना या इससे ठान लेना, फिर एरोगेट मतलब हैवी की इंसल्टिंग एटीट्यूड यानी कि अहंकार या घमंड होना, फिर एक्टिविटी यानी काम करना, फर्दर यहाँ हेल्प द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग यानी उन्नति की ओर आगे बढ़ना, फिर यहाँ हेसिटेट मतलब हिचकिचाहट,
क्वाइट यानी बिल्कुल शांत, या वो नीरस या छोड़ देना, ऐसा भी हो सकता है। वेंट्योर्स, वेंट्योर्स मतलब होता है स्टार्ट टू डू समथिंग और न्यू डेट रिस्की, यानी कि नया कुछ चालू करने में रिस्क होना, वो हो। फिर यहाँ वेग्ड, फिर थॉट, थॉट केयरफुली सावधानी से इस पर विचार करना। बॉन्ड यानी होता है संबंध, लार्ज स्केल यानी बहुत बड़े पैमाने पर। डायपर यानी होता है बालकों का, मतलब कि डायपर भी बोल सकते हो आप डायरेक्ट। लैंडफिल यानी जमीन के अंदर से वो दफनाना। बर्न आउट यानी मतलब निकालना। एक्सपोजर मतलब होता है अटेंशन एंड नोटिस, ध्यान देना। फिर इक्विपमेंट मतलब होता है साधन, रैक और स्पैडल, स्पैड ये सब जो भी है, ये है एक साधन है। अब इसके बाद टूल, प्रोटेक्टिव, फिर गियर्स, टूल्स हेट यानी कि गियर यानी ये सब भी प्रोटेक्टिव ऑफ देन। इन्फेक्ट यानी कि इन्फेक्ट से बचाने के लिए ग्लव्स वगैरह जो पहनते हैं उसको। फिर डंप यानी होता है कचरा पेटी यानी कि कचरा वगैरह। फिर वीड, वीड यानी होता है लाप मतलब यूजलेस प्लांट यानी कि बेकार फालतू प्लांट जो होते हैं उसको। सरब यानी झाड़ी। ट्रेस यानी थिंग्स एंड आर लॉन्गर यूजफुल यानी कि उसे लगाना, सोचना जो लंबे समय तक चल सके। डिओट यानी ऑफर करना। फिर एंटरप्राइज यानी एक संस्था, सरकारी सेवा। और हाँ तो मित्रों, आपको होमवर्क में जो है एक ग्लॉसरी करना रहेगा। आई यूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, कंप्लीट दिस टेक्स्ट अबाउट एनवायरनमेंट प्रॉब्लम। और फिर यहाँ पर खाली जगह दिया है, आप पैराग्राफ को ऊपर चैप्टर का देखते हुए, यह पोल्यूटेड डिस्पोजल्स लेयर ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट रिसोर्स व्हाटएवर जो भी है, ये सब फिल इन द ब्लैंक आपको कंप्लीट करना रहेगा। और दूसरी बात कि मैच अ बी ए एंड बी एंड फॉर्म अ सेंटेंस यूजिंग बोथ ऑफ द वर्ड्स सी हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी कि इन दोनों को ज्वाइन करके सेक्शन सी में सैम्पल जो दिया हुआ है उसमें आपको उस तरह से लिखना रहेगा। नेक्स्ट आपका आया फाइंड एंड राइट द वर्ड्स हैविंग सिमिलर्स मीनिंग फॉर ऑफ द फर्स्ट डेयर पैराग्राफ्स कृष्णमूर्ति इंटरव्यू। कृष्णमूर्ति और इंटरव्यू के बीच में जो सिमिलर वर्ड्स है उन सभी वर्ड्स का मतलब यानी ये सभी वर्ड्स जो दिए हुए हैं उसका सिमिलर आपको लिखना है। फिर वी फोर में देखो, आपका वी फोर आया आपका चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स ऑफ द कम्प्लीट ऑफ सेंटेंस, इसमें आपको ये खाली जगह फिर से यही भरना है। फिर नेक्स्ट आपका वी फाइव में भी खाली जगह ही भरना है आपको। फिर आपको हाँ तो वी सिक्स में इतना आपको नहीं करना है, आपको वी फाइव तक कंप्लीट करना है और इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर हुआ अगर तो वो कंप्लीट करना रहेगा। और अब हम आगे नेक्स्ट टाइम में जो है अगले वीडियो को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। गुड बाय।